चलिए अभी हमारा प्रॉफिट बढ़कर 3,3500 रुपए तक पहुंच चुका है। जल्दी से हम यहां पर अपने टारगेट को सेट कर लेते हैं। देखिए यहां पर हमारा टारगेट सेट हो चुका है। यह कैंडल काफी तेजी से नीचे तो आ रही है, देखते हैं क्या इसी कैंडल के अंदर हमारा टारगेट हिट हो जाएगा या नहीं। देखिए कैंडल में काफी तगड़ी स्पाइक आई है, देखते हैं हमारा टारगेट हिट हुआ है या नहीं। देखिए आज के इस वीडियो में हमने एक स्टॉक में ट्रेड किया है और एक स्टॉक के अंदर कुछ ही मिनटों के अंदर 60 पॉइंट को कैप्चर की है। जिन लोगों को लगता है कि हम सिर्फ ऑप्शन में ही कम टाइम में बड़े मूव को कैप्चर कर सकते हैं, उन्हें इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में हमने कुछ ही मिनटों के अंदर 60 पॉइंट को कैप्चर किया है। इस वीडियो में हम देखेंगे किस लॉजिक के बेस पर हमने एंट्री ली, कहाँ पर अपने स्टॉप लॉस को सेट किया और कैसे अपने टारगेट को सेट किया। लेकिन हर बार की तरह वीडियो को शुरू से स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे सामने एक स्टॉक है और इसे एनालिसिस करने के बाद हमें लगता है कि इसकी प्राइस आज गिरेगी, आज ये स्टॉक डाउन साइड में रहेगी, तो हम सिंपली यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन बनाने वाले हैं। हम सेल के बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। सिंपली हम यहाँ पर 100 क्वांटिटी से एंट्री लेंगे, क्योंकि 100 क्वांटिटी लेने के लिए 1,24,000 रुपये का कैपिटल यूज हो रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पर सिर्फ 100 क्वांटिटी से एंट्री लेंगे। हम यहाँ पर प्राइस लिमिट और स्टॉप लॉस को सेट करके एंट्री लेने वाले हैं। देखिए यहाँ पर हमारी ऑर्डर लग चुकी है, जैसे ये कैंडल रिवर्स होकर ऊपर जाएगी हमारी एंट्री हो जाएगी। चलिए देखिए कैंडल ऊपर गई और यहाँ पर हमारी एंट्री हो चुकी है। अब जैसे जैसे ये कैंडल यहाँ से नीचे आएगी वैसे वैसे हमें प्रॉफिट दिखेगा। अगर अभी हम अपने पैनल को देखें तो यहाँ पर हमें लॉस दिख रहा है, क्योंकि प्राइस थोड़ी सी ऊपर जा रही है इसलिए हमें यहाँ पर लॉस दिख रहा है। देखिए यहाँ पर हमने एंट्री ली है 6,200 रुपये पर और हमारा स्टॉप लॉस है 6,240 रुपये पर। लेकिन जैसे जैसे प्राइस गिरेगी हम वैसे वैसे अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाएंगे। अभी तो प्राइस ऊपर ही जा रही है, इस वजह से हमें यहाँ पर लॉस दिख रहा है। देखिए अभी ये कैंडल क्लोज नहीं हुई है, अगर इसकी क्लोजिंग डाउन साइड में होती है फिर तो हमें एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिल सकता है कि यहाँ से प्राइस गिरेगी। देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी यहाँ पर एक बेरिश मोमेंट दिख रहा है, देखते हैं कि आगे क्या होता है। देखिए अभी ये कैंडल उसी रेंज में मोमेंट कर रही है, अभी इसकी क्लोजिंग हुई नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक कैंडल 5 मिनट की है, 5 मिनट के अंदर एक कैंडल बन रहे हैं। इस कैंडल के क्लोजिंग के बाद ही हम थोड़ा सा कंफर्म हो सकते हैं कि प्राइस हमारे फेवर में जाएगी या हमारे स्टॉप लॉस को हिट करेगी। वैसे तो यहाँ पर सभी सिग्नल बेरिश ही दिख रहे हैं और इस स्टॉक की प्राइस भी आज डाउन साइड में है, देखते हैं कि क्या होता है। देखिए यह कैंडल ऊपर निकली है, जिससे कि अभी हमारा लॉस बढ़कर 1,000 रुपये से ऊपर चला गया है। चलिए देखिए इस कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर एक डोजी कैंडल बना है, जिससे कि हम कंफर्म ही नहीं कर सकते कि प्राइस एग्जैक्ट किस साइड में जाएगी। देखते हैं कि अगले कैंडल में किस साइड के मोमेंट आते हैं। कैंडल को देखकर तो लगता है कि प्राइस नीचे आएगी, लेकिन देखते हैं कि होता क्या है। अगली कैंडल हमारे लेवल तक तो आई है, जिससे कि हमारा सारा लॉस कम हो चुका है। देखते हैं क्या ये कैंडल डाउन साइड में आती भी है या नहीं। देखिए यह कैंडल कितनी तेजी से नीचे आ रही है। अगर अभी हम अपने पैनल को देखें तो हमारा प्रॉफिट बढ़कर 2,000 रुपये तक पहुंच चुका है। सिंपली यहां पर हमने 100 क्वांटिटी से एंट्री ली है, तो प्राइस 1 रुपये गिरेगी तो हमें 100 रुपये का प्रॉफिट होगा। देखिए अगर आप हमारी रेगुलर वीडियोस देखते होंगे तो आपको पता होगा कि मैं पिछले कुछ दिनों से इसी स्टॉक के अंदर ट्रेडिंग कर रहा हूं, और मैंने कई बार आपको ये चीजें बताई भी है कि अगर आपको किसी स्टॉक में अच्छा मोमेंट दिख रहा है तो सिंपली आप उस स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लें, क्योंकि किसी भी स्टॉक में अगर मोमेंट आते हैं तो वह एक दिन में खत्म नहीं होते, वह कम से कम 8 से 10 दिन तो चलते ही हैं। देखिए यहाँ पर प्राइस हमारे फेवर में आई है, तो हम सिंपली यहाँ पर अपने स्टॉप लॉस को थोड़ा सा कम कर देते हैं। सिंपली यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस 40 रुपये पर था, अब हम इसे कम करके 27 रुपये पर कर देते हैं, ताकि अगर अचानक से प्राइस रिवर्स हो तो हमें ज्यादा लॉस ना हो। देखिए इस स्टॉक में काफी ज्यादा लिक्विडिटी है, यहाँ पर काफी तेज मूवमेंट हो रहे हैं, इसलिए स्टॉप लॉस सेट करना बहुत जरूरी है। चलिए यहाँ पर देखिए इस कैंडल ने यहाँ तक लो लगाई, लेकिन अभी यह ऊपर जा रही है, जिससे कि हमारा प्रॉफिट कम हो चुका है। देखते हैं कि इसकी क्लोजिंग कहाँ पर होती है। देखिए कैंडल थोड़ी सी ऊपर निकल चुकी है, जिससे कि अभी हमारा सारा प्रॉफिट कम हो चुका है, और सिंपली यहाँ पर हमें 400-500 रुपये का लॉस भी दिखने लगा है। हमने अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके सिंपली इस कैंडल के हाई पर कर दी है। अगर प्राइस इससे ऊपर जाती है फिर तो वह ऊपर ही निकल सकती है, लेकिन अगर हम 10 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी इस चार्ट को देखें तो सिंपली हमें यहाँ पर एक बेरिश मोमेंट ही दिख रहा है। हमें लग रहा
रहा है कि प्राइस गिरेगी। चलिए यहाँ पर देखिए, इस कैंडल ने लो यहाँ तक लगाई लेकिन इसकी क्लोजिंग यहाँ पर हुई है। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये भी एक अनडिसीजन कैंडल बनकर क्लोज हुई है। और सिंपली इन कैंडलों को देखकर हमें लगता है कि सेलर प्राइस को नीचे तो लेकर आना चाहते हैं लेकिन बायर्स भी एक्टिव हैं, वो प्राइस को ऊपर लेकर जाना चाहते हैं। इन दोनों में फाइट चल रही है, इसलिए यहाँ पर बड़ी विक और छोटी बॉडी वाली कैंडलें बन रही हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो अगली कैंडल थोड़ी सी ऊपर निकली है, जिससे कि अभी हमारा लॉस बढ़कर 1000 रुपये से ऊपर चला गया है। सिंपली हम यहाँ तक वेट करेंगे, जैसे यहाँ पर प्राइस आएगी हम एग्जिट हो जाएंगे। अभी हम अपने स्टॉप लॉस को थोड़ा सा और कम कर देते हैं, ताकि अगर अचानक से प्राइस ऊपर जाए तो हमें ज़्यादा लॉस ना हो। देखिए, जब एंट्री लेने के बाद आपको लगे कि आपका ट्रेड रिस्की बनते जा रहा है और यहाँ पर आपके स्टॉप लॉस को हिट होने का चांस बढ़ रहा है, तो सिंपली आप अपने स्टॉप लॉस को कम ही रखें, क्योंकि वैसे भी स्टॉप लॉस हिट हो सकता है तो ज्यादा लॉस क्यों दें। लेकिन आपको हमेशा स्टॉप लॉस सेट करना हो या ट्रेल करना हो तो सिंपली आप लेवल्स पे ही करें। जब आपको लेवल्स दिखे वहीं पर आप अपने स्टॉप लॉस को सेट या ट्रेल करें। वैसे ही रेंडमली आप कहीं पर भी अपने स्टॉप लॉस को सेट ना करें। अगर हम यहाँ पर देखें तो इस कैंडल ने इस कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं की है और यह यहाँ से नीचे तो आना चाहती है। देखिए अचानक से कितनी तेजी से नीचे आई लेकिन फिर से ऊपर चली गई। इस स्टॉक में काफी तेज मूवमेंट हो रहे हैं, इसलिए हमें यहाँ पर सावधानी से ट्रेड करना पड़ रहा है। देखिए, इस कैंडल की क्लोजिंग डाउन साइड में हो चुकी है, जिससे कि हमें थोड़ा सा कंफर्मेशन मिलता है कि अब यहाँ से प्राइस नीचे जा सकती है और हमारा स्टॉप लॉस सेफ है। अगर अभी आप देखें तो हमने अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके 6220 रुपये पर कर दिया है। जब हमने एंट्री ली तब हमारा स्टॉप लॉस 6240 रुपये पर था, लेकिन जैसे जैसे प्राइस हमारे फेवर में आती हुई दिख रही है वैसे वैसे हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जा रहे हैं। देखिए, प्राइस गिर रही है और यहाँ पर हमारा प्रॉफिट बढ़ते जा रहा है। अभी हमारा प्रॉफिट बढ़कर 1200-1300-1400 रुपये तक पहुँच चुका है। अगर हम इस कैंडल को देखें तो यह कैंडल काफ़ी तेजी से नीचे आ रही है, जिससे कि अभी हमारा प्रॉफिट बढ़कर 2000 रुपये तक पहुँच चुका है। देखिए, इस कैंडल में काफ़ी तगड़ा स्पाइक देखने को मिल रहा है, कैंडल काफ़ी तेजी से नीचे आ रही है। हम सिंपली इसी चीज़ का वेट कर रहे थे कि यहाँ से तेजी से प्राइस नीचे गिरे, और यहाँ पर प्राइस काफी तेजी से नीचे भी गिर रही है। देखिए, यहाँ पर टाइम डिके का कोई डर नहीं है, जैसा कि ऑप्शन में होता है। अगर हम ऑप्शन बाई करें और वहाँ पर मार्केट थोड़ी देर भी साइडवेज हो जाए तो हमारे प्रीमियम में टाइम डिके लगने लगता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई भी झंझट नहीं है। अगर स्टॉक की प्राइस 1 घंटे भी साइडवेज हो जाए उसके बाद गिरे, फिर भी हमें यहाँ पर प्रॉफिट ही देखने को मिलेगा। इसीलिए मुझे स्टॉक ट्रेडिंग करना पसंद है। अगर अभी हम अपने पैनल को देखें तो हमारा प्रॉफिट बढ़कर 3500-3800-4000 रुपये तक पहुँच चुका है। हम जल्दी से यहाँ पर अपने टारगेट को सेट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्राइस में काफ़ी तेज मूवमेंट है। हो सकता है कि प्राइस तेजी से नीचे आए उसके बाद अचानक से ऊपर चली जाए, इसलिए हम यहाँ पर अपने टारगेट को सेट कर लेते हैं। देखिए, कैंडल काफी तेजी से नीचे आ रही है, जिससे कि अभी हमारा प्रॉफिट बढ़कर 5000 रुपये तक पहुंच चुका है। जैसे इसकी प्राइस 40 रुपये के लेवल पर आएगी हमारा टारगेट हिट हो जाएगा। अभी इसकी प्राइस 52 रुपये पर चल रही है। चलिए, कैंडल ने स्पाइक तो मार दी है और इसकी प्राइस हमारे टारगेट से नीचे भी गई है। देखते हैं कि यहाँ पर हमारा टारगेट हिट हुआ है या नहीं। यहाँ पर देखिए, हमारा टारगेट हिट हो चुका है और सिंपली एक ट्रेड के अंदर हमें 6000 रुपये का प्रॉफिट बुक हो चुका है। अगर हम यहाँ ऑर्डर्स में देखें तो हमने एंट्री बनाई 6200 रुपये पर और एग्जिट हुए 6140 रुपये पर। सिंपली 10 से 15 मिनट के अंदर हमने यहाँ पर 60 पॉइंट को कैप्चर किया। देखिए, यहाँ पर मुझे एक चीज गलत लगता है, जब हम स्टॉप लॉस को सेट करते हैं और अचानक से प्राइस स्पाइक मारकर हमारे स्टॉप लॉस को हिट करती है तो हमारे स्टॉप लॉस से ज्यादा हमें लॉस हो जाता है। अगर हम 60 रुपये पर स्टॉप लॉस को सेट करते हैं तो 65 पर एग्जिट होता है, लेकिन जब हमारा टारगेट स्पाइक में हिट होता है तो हम लेबल पर ही निकलते हैं, हमें थोड़ा सा भी बेसी प्रॉफिट नहीं मिलता। यह चीजें मुझे पर्सनली बहुत गलत लगती है। खैर, क्या ही कर सकते हैं, सिंपली यहाँ पर हमने अपने टारगेट को हिट कर लिया है और हम इस ट्रेड से एग्जिट हो चुके हैं। चलिए, अब हम देखते हैं कि यहाँ पर एंट्री लेने के पीछे क्या लॉजिक था। देखिए, सबसे पहले अगर हम इस स्टॉक को देखें तो यह स्टॉक आज डाउन ट्रेंड में थी। सिंपली आज स्टॉक की प्राइस यहां पर ओपन हुई और एक बड़ी सी रेड कैंडल बनी। अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखें तो इस स्टॉक की प्राइस अपने रेजिस्टेंट के नीचे ही ओपन हुई और यहां से यहां तक लो लगाई, मतलब कि एक कैंडल के अंदर प्राइस यहां से यहां तक आई। इसे देखकर हमें पता चला कि आज इस स्टॉक की प्राइस बेरिश रहने वाली है। सिंपली 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर जब इस कैंडल ने इस सपोर्ट को ब्रेक करके क्लोजिंग दी
तो हमें लगा कि अब यहाँ से प्राइस गिर सकती है और हमें यहाँ पर एक स्टॉप लॉस का जगह भी दिख रहा था। देखिए, जब तक हमें स्टॉप लॉस का लेवल ना मिले तब तक हमें एंट्री नहीं लेनी चाहिए। इस चीज को देखकर हमने इस कैंडल के अंदर एंट्री ली। यह कैंडल थोड़ी सी नीचे गई जिससे कि हमें प्रॉफिट भी दिखा, लेकिन इसकी क्लोजिंग यहाँ पर हुई। उसके बाद अगली कैंडल ओपन होते ही थोड़ी सी नीचे गई, लेकिन फिर वो यहाँ पर आकर क्लोज हुई, जिससे कि हमें थोड़ा सा डर लगा कि यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। लेकिन हमने सही से एनालिसिस करके सही जगह पर एंट्री ली थी और सही जगह पर स्टॉप लॉस को सेट किया था, इसलिए हम डरे नहीं, अपने स्टॉप लॉस पर बने रहे और यहीं से प्राइस हमारे फेवर में आने लगी। देखिए, मुझे पता है कि मैं भारी भरकम वर्ड यूज नहीं करता, जैसे कि लेवल ब्रेक हुआ, यहाँ पर साइकोलॉजिकल ब्रेक हुआ, यह सब मैं यूज नहीं करता, इसलिए आप लोगों को लगता है कि मैं ज्यादा नॉलेज नहीं दे पा रहा। मैं सिंपल तरीके से आप लोगों को चीजें समझाना चाहता हूँ। यहाँ पर एंट्री और स्टॉप लॉस के लॉजिक को हमने समझ लिया। अब हमने अपने टारगेट को कैसे डिसाइड किया कि हमें यहाँ तक अपने टारगेट को सेट करना है, तो इसके लिए जब हमने चार्ट को थोड़ा सा पीछे किया तो हमें यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल दिखा। हमें लगा कि यहाँ तक प्राइस आ सकती है, तो सिंपली हमने यहाँ पर अपने स्टॉप लॉस को सेट किया। लेकिन यह स्टॉक आज बेरिज था तो इसकी प्राइस और गिरनी थी, लेकिन जहाँ पर हमें सही लग रहा था वहाँ पर हमने अपने टारगेट को सेट किया और यहाँ पर हमने 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड अचीव किया। मतलब कि हमारा स्टॉप लॉस था 20 पॉइंट का और हमारा टारगेट था 60 पॉइंट का, और ये सारी चीजें लाइव आपके सामने हुई। देखिए, आज मैं इसी ट्रेड पर अपने सेटअप को क्लोज करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे हॉस्पिटल भी जाना है, इसलिए यहाँ पर हमें जितना प्रॉफिट मिला वह काफी अच्छा है। हम अब दूसरा ट्रेड नहीं करेंगे। देखिए, यहाँ पर हम रिस्क तो ले सकते हैं क्योंकि हमें पहले ट्रेड में प्रॉफिट हुआ है, लेकिन जब टाइम ही ना हो तो रिस्क लेने का क्या फायदा, इसलिए अभी मैं अपने सेटअप को बंद करने वाला हूँ। बस आज की इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है वीडियो देखकर आपको काफी अच्छा लगा होगा। देखिए, जब मुझे लॉस होता है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, और जब प्रॉफिट होता है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, जिससे कि आपको यह पता चले कि ट्रेडिंग में सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं होता, लॉस को भी झेलना पड़ता है, और आप लॉस को कैसे हैंडल कर सकते हैं आप हमारी उन वीडियोस को देखकर सीख सकते हैं। आज हमने मल्टीपल टाइम फ्रेम पर चार्ट को एनालिसिस किया और तीनों टाइम फ्रेम पर हमें बेरिश ही सिग्नल मिला, इसलिए आज हमने शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन बनाई। वैसे तो हम हर दिन शॉर्ट सेलिंग ही करते हैं। अगर आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम पर चार्ट एनालिसिस करना नहीं आता तो सिंपली आप इस वीडियो को देखकर मल्टीपल टाइम फ्रेम पर चार्ट एनालिसिस करना सीख सकते हैं। बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही ट्रेडिंग के वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिए।